दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जो वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हूँ, तो वीडियो का नाम है दिल्ली गर्ल थिंक अबाउट यादव वर्सेस पंडित। मतलब दिल्ली की जो लड़कियाँ हैं वो यादव को ज़्यादा पसंद करती है या पंडित को। तो देखने के बाद ही पता चलेगा इस वीडियो में ऐसा क्या है क्या नहीं है और किसे पसंद करती है दिल्ली की लड़कियाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होगा देखते हैं आगे। शर्मा जी के बेटी को देखो कि हमसे बेटर कोई नहीं है इस दुनिया में। लाइक दे आर द शर्मा शर्मा है बोल मनीष अरोड़ा हियर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा मैडनेस विद मनीष चैनल की सीरीज में। तो गाइस आज दिल्ली के लोगों से बात करेंगे अबाउट यार शर्मा जी के बारे में कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं वो शर्मा जी के बारे में। तो यार आज हम लोगों से बात करते हैं अबाउट दिस। ये बताओ जब आप ये वर्ड सुनते हो शर्मा जी तो दिमाग में क्या आता है। दाट पड़ोसी जिससे पापा आपको छेड़ते हैं। किस शर्मा जी के बेटी को देखो। शर्मा जी की ओ यार शर्मा जी के बेटे के जैसे पढ़ो। एग्जैक्टली शर्मा जी का लड़का सेम द आइडियल सन। शर्मा जी के लड़के को देखो पैक्स वाले अंकल और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बेटा लाइफ में बहुत अच्छा करे। सब उनका रेफरेंस यूज करते हैं देने के लिए कि शर्मा जी के बड़ा नाम करेगा। हाँ शर्मा पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा। शर्मा बेटा मेरा ऐसा काम करेगा। हाँ जी बहुत ज्यादा काम करेगा बेटे। शर्मा जी की मूछें होती है टिपिकल प्योर प्योर ब्लैक कलर की और चश्मे पहने होते हैं उन्होंने। चलो शर्मा जी इज द वंस दैट ईट अ लॉट। मे बी जहाँ भी खाना देखते हैं बस शर्मा वाले शुरू हो जाते हैं जब तक उनकी पूड़ियाँ और वो सब सामने नहीं आती। इन्हें तो अपना खानदान याद आता है। एग्जैक्टली अब यू आइडेंटिफाई पर्सन सामने वाला बंदा या बंदी शर्मा जी है। शर्मा है भाई शर्मा आई गेस यू नो द गीकी वन। आई विल से या गीकी वन इज अ शर्मा जी का लड़का। हु लुक्स वेरी पुट टुगेदर। हु लुक्स वेरी यू नो कि ही हैज हिज लाइक शिट टुगेदर। जस्ट बिकॉज शी इज माई ब्रो जो बंदा बहुत दिलदार हो वो शर्मा है। कूल कूल पीपल टोटली। हम थोड़े से नर्ड भी होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ पंजाबी तो बड़े वो होते हैं पैसे फेंकने वाले। शर्मा जी बड़े टिपिकल होते हैं एकदम शर्ट पैंट वाले फुल स्लीव्स बड़े प्यारे होते हैं सिंपल से एकदम मतलब देख के कर सकते हैं आइडेंटिफाई इजीली। उनके बच्चे बड़े वो होते हैं एकदम परफेक्ट। शर्मा जी की स्पेशल बात क्या लगती है आपको। द बेस्ट पीपल एवर। व्हाट द बेस्ट पीपल एवर। अच्छा किस किस चीज से लगता है आपको कि वही बेस्ट होते हैं किस बात। आई थिंक बिकॉज़ दे मिंगल अप विद पीपल प्रीटी इजीली और वो काफी फ्रेंडली होते हैं आई गेस। अरुण नो नॉर्थ टू साउथ कहीं पे भी चले जाओ शर्मा तो जरूर मिलेंगे। नहीं मेरी तो इधर नॉर्थ में ही रहती थी। यूनिवर्सल है यार यूनिवर्सल शर्मा है सारे। शर्मा जी क्या बात है। द काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी दे एग्ज्यूड कि हमसे बेटर कोई नहीं है इस दुनिया में। लाइक दे आर द शर्मा शर्मा है बोल उनको अपने बच्चों को करने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। वो नेचुरली अच्छे होते हैं उनके बच्चे। वंशिका बहुत प्यारी हो वंशिका तुम्हारा यादव जी होते हैं कि हाँ दे आर वेरी कूल दे डोंट टेक लॉट ऑफ प्रेशर एंड उन लोगों का ये है कि हाँ चलता है टाइप ऑफ एटीट्यूड। बहुत प्यारे होते हैं यादव भाई। छोड़ दिया अबे इसको तो अनमोल के बिस्किट खिलाने दीजिए ठीक है। अनमोल को अनमोल के बिस्किट। हाँ यार अनमोल बहुत ज्यादा चल रही है खा चुको कुछ सुबह पढ़ में चलते हैं। हाँ और चश्मा वश्मा लगाते हैं बड़ा। हाँ चश्मा वश्मा लगाते हैं यही जो खड़ा है ऐसे खड़े होते हैं यादव जी है। तो भाई इस पे भी 50,000 व्यूज कर दो और 50,000 हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर कर दो भाई। इसका भी एक नया पार्ट निकालेंगे जो आप कहोगे भाई आपकी डिमांड पे। हाय गाइस आई एम मनीष अरोड़ा हियर और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा मैडनेस विद मनीष चैनल की सीरीज में। तो गाइस आज हम दिल्ली के लोगों से बात करेंगे अबाउट यार यादव जी के बारे में। दिल्ली लड़की क्या सोचते हो यादव जी के बारे में। जब आप ये वर्ड सुनते हो यादव तो दिमाग में क्या कि बहुत इज्जतदार लोग हैं ठीक है फ्रेंडली होते हैं बहुत अच्छे होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं और हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। यादव ऑलवेज फेवर्स यादव कोई बुराई भी नहीं सुन सकता है। गिवन दैट इलेक्शन सीजन आ रहा है आई नो दैट हर एक पार्टी हर एक कास्ट को बहुत ज़्यादा वो कर रही है एंड या अच्छे होते हैं। वैसे मेरी एक ही फ्रेंड रही है यादव आज तक बट अच्छी थी नहीं हूँ बट हाँ मतलब काफ़ी नेचर वाइज और सब चीज़ों से। हाँ हाँ भाई बढ़िया लगते हैं लड़की ने बोल दिया साहब। सेकंड क्वेश्चन हाउ यू आइडेंटिफाई ए पर्सन। जब आप मतलब आप यादों को कैसे पहचानते हो कैसे आइडेंटिफाई।
आइडेंटिफाई. मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे को कोई ऐसा यादव मिला है नहीं. धमकी तो मत दो. तो मैं चलते हैं. और चश्मा लगाते हैं बड़ा. हाँ चश्मा वश्मा लगाते हैं. यही तो खड़ा ऐसे खड़े होते हैं यादव जी हैं. बोलने के तरीके से हाँ ठीक है. और उनकी हेल्थ हाइट, वो हाइट से ही और हेल्थ से ही लगते हैं. हाँ काफी अच्छी होती है, हेल्दी होते हैं. बाय द एक्सेंट आल्सो, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज देयर एक्सेंट. एक्सेंट से पता लगता है. या एक्चुअली मतलब अगर आप उनसे बात करें, आई थिंक जब आप ऐसे किसी को क्रॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं पता चलता कि वो यादव है या नहीं. बट या व्हेन यू टॉक टू देम एंड यू देन यू गेट टू नो कि हाँ ये बंदा थोड़ा किस एक्सेंट से बोल रहा है या क्या इसके कल्चर है, क्या इसकी ट्रेडिशन है, देन यू गेट टू नो कि वो पर्सन यादव है. हाइट वगैरह से तो नहीं, बट हाँ हेल्थ काफी अच्छी होती है क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो भी काफी. आखिरी क्वेश्चन, यादव की स्पेशल बात क्या लगती है आपको? इनकी स्पेशल क्वालिटी भी तो होती है हर कम्युनिटी की, तो यादव जी की क्या स्पेशल बातें होती है? यादव जी या बिहार के जो लोग होते हैं उनकी ये स्पेशल यूपी में भी तो होते हैं. हर जगह है भाई. बट यादव जी होते हैं कि हाँ दे आर वेरी कूल, दे डोंट टेक लॉट ऑफ प्रेशर एंड उन लोगों का ये है कि हाँ चलता है टाइप ऑफ एटीट्यूड. बहुत प्यारे होते हैं यादव भाई. चाय पीने के बहुत अच्छे, मतलब चाय पीना उन्हें बहुत पसंद है. चाय और दूध के बिना रहते नहीं है. दूध दही का खाने वाली बात नहीं. हाँ या दे आर काइंड एंड स्वीट पीपल. What I feel. Yeah, I've met a few people, but what I have felt that they are kind and sweet. बहुत helpful होते हैं. यादव के बारे में आई थिंक पूजा पूजा वूजा भी ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ वगैरह में बिलीव करते हैं. अच्छा लगता है. हाँ दोस्तों से थम्स अप यादव जी को. हाँ थम्स अप यादव जी बोलो. यादव जी थम्स अप. अबे इसको तो अनमोल के बिस्किट खिलाने चाहिए. ठीक है अनमोल को अनमोल के बिस्किट. हाँ यार अनमोल बहुत ज्यादा चल रही है. और गाइस आपको भी जो लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताओ. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार. मैडनेस विद मनीष. और गाइस आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको दिख रहे होंगे. थैंक यू सो मच गाइस. तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो को देखा, तो आपको क्या समझ में आया इस वीडियो के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. मतलब दिल्ली की लड़कियां भी यादव को पसंद करती है, दिल्ली की लड़कियां भी यादव के लोंडो पे मरती है. सही में ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. और एक बात जो है मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है कि यादव लोग को दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय बहुत ज़्यादा पसंद है. जैसे कि एक लड़की ने बोली, दिल्ली वाली लड़की ने बोली, मतलब उन्हें भी दिल्ली वाले को भी पता है कि यादव लोग को दूध और चाय पसंद है. क्या ये सही बात है? प्लीज़ कमेंट.